हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेटेड सोनी में। देखिए, ये हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम जो कि भारत सरकार या फिर स्टेट सरकार द्वारा चलाई गई मुख्य मुख्य योजनाएँ हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग ये मैगजीन है, घटना चक्र की मैगजीन है, उससे कवर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग के पास सिलेबस भी अधिक है और कई एग्जाम दे रहे होंगे तो इसको हो सकता है इग्नोर कर दे, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसमें बहुत मुख्य मुख्य योजनाओं को समाहित किया गया है। इसको पढ़ेंगे तो आपका जो पीसीएस में मेंस अब रिटर्न होने वाला है उसके लिए, और जो आरओ का मेंस होगा 25, 26, 27 नवंबर को, प्लस यूपी पीसीएस प्री 2018 के लिए, इसमें जो योजनाएं हैं बहुत ही यूजफुल होंगी। ठीक है, तो उसी क्रम में चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे, राष्ट्रीय किसान नीति 2007। क्योंकि दो वीडियो उसका नीतियों से संबंधित अपलोड हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि जो नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित एक लेसन पढ़ चुके हैं, आज दूसरा लेसन पढ़ेंगे। पहले इसको समाप्त करने के बाद दूसरा लेसन शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पढ़ते हैं राष्ट्रीय किसान नीति 2007। कृषि की व्यावसायिक लाभदेयता को बढ़ाने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा M.S. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया गया था। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पहले किस उद्देश्य से किया गया था। तो देखिए, कृषि की व्यावसायिक लाभदेयता को बढ़ाना तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कृषि मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा M.S. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया गया था। ठीक है, आयोग की सिफारिश के आलोक में वर्ष 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति घोषित की गई थी। तो इसका मतलब है जो राष्ट्रीय किसान नीति 2007 घोषित की गई है, किस आयोग की संस्तुति पर? राष्ट्रीय किसान आयोग के संस्तुति पर, जिसके अध्यक्ष कौन थे? M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, घोषित की गई इस नीति में उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों के कल्याण में वृद्धि पर प्रमुख जोर दिया गया। इस नीति में भौतिक उत्पादन के स्थान पर मानवीय आयाम को अधिमान दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया कि भौतिक उत्पादन के स्थान पर मानवीय जो आयाम है उनको अधिक वो दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। कृषि आगतों की यहाँ पे कृषि आगतों की समय पर उपलब्धता, कृषि श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी व युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना भी इस नीति के केंद्र में था। ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है और इस किस आयोग की संस्तुति पे किया गया कि राष्ट्रीय किसान नीति 2007 जो है कृषि की व्यावसायिक लाभदेयता को बढ़ाने के लिए और किसानों के आर्थिक स्थिति के सुधार करने के संदर्भ में कृषि मंत्रालय और भारत सरकार ने M.S. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में एक किसान आयोग का गठन किया और इसी आयोग के सिफारिश पर 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति घोषित की गई। इसके आधार पर क्या किया गया, इसमें मतलब मानवीय भूमिका अधिक जोर दिया गया, किसी अन्य उस पे मतलब भौतिक उत्पादों के स्थान पर मानवीय आयामों को अधिक जोर दिया गया, और साथ ही साथ कृषि आगतों को समय पर उपलब्धता करना, जो भी कृषियों में कृषि कार्य करने में जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उसको उपलब्ध कराना, कृषि जो में कार्य में लगे हुए श्रमिक है उनकी आय में बढ़ोतरी करना, और युवाओं को कृषि कार्य में आकर्षण मतलब कि वाणिज्यिक कृषि के और युवाओं को प्रेरित करना इस नीति के केंद्र में था, मतलब इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था। देखिए इसका लक्ष्य क्या है, किसानों की नीति शुद्ध आय को सुनिश्चित करते हुए कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना। देखिए लक्ष्य पूछा जाता है, इसलिए 1, 2, 3 करके होता है, निम्न में से क्या सही नहीं है ये बताने के लिए। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 का क्या लक्ष्य है, किसानों की न्यूनतम जो शुद्ध आय को सुनिश्चित करते हुए कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना, कृषि संबंधी सभी नीतियों कार्यक्रमों में मानवीय एवं लैंगिक आयामों की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, और कृषि में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर स्पष्ट रूप से ध्यान देना, भू सुधारों के अधूरे एजेंडे को पूरा करना तथा ग्रामीण भारत में परिसंपत्तियों और जल कृषि में व्यापक सुधार आरंभ करना, किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास करना एवं उसे लागू करना, कृषि राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 का मुख्य यहाँ पे लक्ष्य था। ठीक है, अन्य देखिए क्या था कि भूमि जल विविधता तथा अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण व सुधार में किसानों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना। इससे क्या था कि जो
वर्षा के जल के साथ साथ जिस तालाब खोदने के लिए जो जल होगा इकट्ठा कर लेना, इससे जिससे कि जो आवश्यक पड़ेगा कृषि कार्य में जल की उसको भी पूरा किया जा सके, ये भी इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भूमि जल जैव विविधता तथा अनुवांशिकी अनुवांशिक संसाधनों के यहाँ पे संरक्षण व सुधारों में किसानों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ग्रामीण भारत में समुदाय केंद्रित खाद्य जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक बच्चे महिला और पुरुष के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऐसे उपाय आरंभ करना जिसे खेती को बौद्धिक रूप से प्रेरक व आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाकर उच्चतर मूल्यवर्धन किया जा सके। प्रत्येक कृषि और गृह विज्ञान स्नातक को एक उद्यमी बनाने, इसमें क्या है, प्रत्येक कृषि और गृह विज्ञान स्नातक को एक उद्यमी बनाने व कृषि शिक्षा को लिंग संवेदी बनाने के लिए शिक्षा शास्त्रीय विधियों और कृषि पाठ्यक्रम को पुनर्संरचना करना राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 का ये लक्ष्य था। ठीक है, और देखिए क्या है, सतत कृषि के लिए जरूरी आदानों के उत्पादन और आपूर्ति तथा जैव विविध प्रौद्योगिकी सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास उत्पादों व प्रक्रियाओं में भारत के विश्व आउटसोर्सिंग का केंद्र बनाना, मतलब भारत को विश्व आउटसोर्सिंग का केंद्र बनाना इसका भी मुख्य लक्ष्य था। जैव प्रौद्योगिकी व सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित उत्पाद और प्रक्रियाओं से में भारत को विश्व आउटसोर्सिंग में केंद्र बनाना था। किसानों के लिए बीज, सिंचाई, विद्युत, मशीनरी एवं उपकरण तथा पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए समर्थन सेवाओं का विकास करना, यह भी पूछा गया है इसमें, ये पूछा जाता है। तो इसमें साख सृजन करना उद्देश्य नहीं है, मतलब कि बैंक साख सृजन भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे किसानों के लिए बीज, सिंचाई, विद्युत, मशीनरी व उपकरण तथा पर्याप्त मात्रा एवं उचित मूल्य पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए समर्थन सेवाओं का विकास करना, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उचित मूल्य और व्यापार तंत्र का विकास करना, किसानों के लिए उपयुक्त और समयबद्ध क्षतिपूर्ति के लिए उपयुक्त जोखिम प्रबंधन करना, किसान परिवार को गैर कृषि यहाँ पे क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता हेतु समुचित उपाय करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। देखिए प्रमुख तथ्य जान लीजिए इससे संबंधित, इस नीति में किसान को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इस नीति में किसान शब्द के अंतर्गत प्रत्यक्ष कृषि कार्य में संलग्न किसानों के अतिरिक्त संबद्ध गतिविधियों लाइक पशुपालन, वनोत्पादन संग्रह आदि में लगे लोगों को भी शामिल किया गया है। मतलब राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में किसान कौन है उसको व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें किसान शब्द के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगे हुए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे पशुपालन में, वनोत्पादन संग्रह में लगे हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए परिसंपत्तियों तथा भूमि, पशुधन, मत्स्य तालाब, घरेलू फॉर्म आदि के सुधार हेतु प्रयास पर जोर दिया गया। साथ ही मिश्रित कृषि प्रणाली का विकास कर ऑर्गेनिक कृषि और वायु उर्वरकों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तटीय एवं अंतर्देशीय मात्स्यिकी को जो लाखों परिवारों को रोजगार व आजीविका का प्रमुख स्रोत है के विकास पर भी जोर दिया गया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन किया जाएगा जिसमें महिलाओं की सहभागिता भी लाई जाएगी। स्वस्थानीय फॉर्म, ठीक है, संरक्षण परंपराओं को पुनः सक्रिय करने के लिए जनजाति और ग्रामीण शब्दों के लोगों की इसमें मदद की जाएगी। ठीक है, और देखिए कृषि जैव विविधता वाले समृद्ध क्षेत्रों में जेनेटिक और विधिक जानकारी देने के कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए पश्चिमी घाट, विंध्य व हिमालयी क्षेत्र में हर्बल बायो वैली की स्थापना की जाएगी। अग्रणी प्रौद्योगिकियों जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी आदि के कृषि क्षेत्र में प्रयोग से उत्पादन सुधारने व धारणीय कृषि के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। किसानों को ही समय व पर्याप्त मात्रा में कृषि आदानों जिनमें उत्तम कोटि के बीज, मृदा स्वास्थ्य की जाँच, यंत्र, कीटनाशक, उर्वरक व अन्य सहायक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
देखिए, आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों व भूमिहीन कृषि श्रमिकों को एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अन्य देखिए इसका विश्लेषण, जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश व समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इस बात के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से ही किसानों के हितों को विशेष तरजीह दी है। सरकार द्वारा उनके संरक्षण व विकास के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं और कई नीतियों भी लागू की गई हैं। राष्ट्रीय किसान नीति भी इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। किसान नीति के एक दशक की समाप्ति के बाद भी किसानों के आर्थिक कल्याण व सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त कर नहीं किया जा सका है। आज भी बड़े व सीमांत किसानों के मध्य आय की असमानता अत्यधिक और यह भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि व गैर कृषि क्षेत्रों के मध्य भी आय असमानता अध्यत